हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 की, जो है हमारे पास रियल नंबर्स। तो वैसे तो रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स की। ठीक, अगर आपको रियल नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानना हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, तो उसमें जो वीडियो है वो नंबर्स पे बेस्ड है, उसमें आप जान सकते हो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में है, तो आप उसको देख सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते थे। तो जो रैशनल नंबर होता है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और जहां पे q जीरो ना हो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और अगर हम इरैशनल नंबर की बात करें तो विच कैनॉट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए 2/3, 2-1, ये सब जो है रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, 2/3 को तो ये डायरेक्टली हो गया रैशनल नंबर, को इसलिए रैशनल बोल रहे हैं क्योंकि 2 के अपॉन में कोई नंबर नहीं है, तो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ये 2/1 हो गया, तब भी इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 ही रहेगा अभी, और इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रैशनल नंबर है। इसी टाइप से -1 को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको -1/1 लिख सकते हैं, जहां पे p हो गया -1, q हो गया 1, तो ये भी रैशनल नंबर हो। तो ये रैशनल नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया √2 और √5। तो √2 को हम इरैशनल क्यों बोल रहे हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर √2 को मैं अगर और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं तो उसको √2/1 लिख सकते हैं। तो ये √2/1 तो हो गया यहाँ पर, लेकिन ये सिमिलर नहीं है पी बाई क्यू के। ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में पी जो है वो अंडर रूट में नहीं है। ठीक, और यहाँ पे जो ये नंबर है पी वो अंडर रूट में, तो इसलिए ये वाली फॉर्म और ये p बाई क्यू वाली फॉर्म सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसको इरैशनल बोल रहे हैं। ऐसे ही √5 जो है वो इरैशनल नंबर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर कोई नंबर जो रूट में होगा वो इरैशनल ही होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है रूट में जो किसी का स्क्वायर बनता हो तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, फिर ऐसा नंबर इरैशनल नहीं होता। तो एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 4 है रूट में नंबर, तो इसको रूट से बाहर निकाल के हम 2 लिख सकते हैं, या तो प्लस का 2 या तो माइनस का 2। तो ऐसी कंडीशन में ये नंबर जो है इरैशनल ना होके रैशनल हो जाएगा, क्योंकि अब ये रूट में नहीं रह गया और इसको हम आसानी से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बात करते हैं अब रैशनल और इरैशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म की। रैशनल नंबर जो होता है वो दो टाइप से कैटेगराइज हो सकता है डेसिमल फॉर्म में, या तो टर्मिनेटिंग वो फॉर्म है जब कोई नंबर डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए। ठीक है, या जो दूसरा डेसिमल फॉर्म होता है रैशनल नंबर का वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसमें एक ऐसा नंबर होता है हमारे पास जो डेसिमल के बाद कहीं जाके टर्मिनेट तो नहीं होता, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो रिपीट कर रहा होता है इसमें। तो इसी टाइप से रैशनल नंबर में अगर हम डेसिमल फॉर्म की बात करें तो उसमें एक ही टाइप का डेसिमल फॉर्म होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप का नंबर जो होता है वो डेसिमल पॉइंट के बाद कहीं भी खत्म नहीं होता, उसको जितना कंटिन्यू करते रहेंगे वो कंटिन्यू होता रहेगा नंबर, और इसमें जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं करते। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए, जैसे यहाँ पे 45.23415 और ये नंबर आगे तक कंटिन्यू करते जा रहा है, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल देखें तो ये 23.01001000001 और ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक, अगर वैसे देखोगे इसको तो ऐसा लग रहा होगा कि 01 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 01 एक एक बार है, यहाँ पे 2 जीरोज है फिर 1 है, फिर इसके बाद 3 जीरोज है फिर 1 है, तो ये नंबर कहीं रिपीट ही नहीं हो रहा। ठीक, और ये आगे फर्दर कंटिन्यू करता जा रहा है। तो ऐसा डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद ना तो कहीं खत्म हो और ना ही वो रिपीट कर रहा हो, उसको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज है जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं वो है यूक्लिड्स डिविजन लेमा। ठीक है, ये एक थ्योरम है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ ए एंड बी आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर ऑल्सो एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं ए और बी, तो उन दोनों इंटीजर्स के लिए दो और इंटीजर्स होंगे हमारे पास क्यू और आर, जो कि एक इक्वेशन जो हमारे पास है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और जहां पे r की जो वैल्यू होगी
वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी और लेस देन बी होगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो मान लो हमारे पास दो नंबर हैं 30 और 5 और हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड 30 बाय 5, 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 हो गया और नीचे रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 6 हो गया और जो रिमाइंडर हो गया वो 0 हो गया। तो इस 30 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू 6 प्लस जो उसका रिमाइंडर था। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 30 है वो A का रोल प्ले कर रहा है, 5 जो है वो B का रोल प्ले कर रहा है, 6 जो है वो Q का रोल प्ले कर रहा है और जो यहाँ पे 0 आया वो रिमाइंडर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो A है वो नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना था, B वो नंबर है जिससे हमने उसको डिवाइड किया, Q वो नंबर है जो हमारा क्वेश्चन आया और R वो नंबर है जो हमारा रिमाइंडर आया। ठीक, तो ये इक्वेशन हो गई A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये इक्वेशन हर डिविजन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बनता है वो एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक, तो एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम बड़े वाले नंबर को ए कंसीडर कर लेंगे और छोटे वाले नंबर को बी कंसीडर कर लेंगे। ठीक, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तो हम इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर लेंगे। तो 135 से 1 टाइम्स डिवाइड होगा 225, तो 135 आएगा, रिमाइंडर बचा 90। अब ये 90 क्योंकि इससे छोटा है तो इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए हमारे पास 225 था, बी हमारे पास 135 था और क्यू हो जाएगा हमारे पास अब 1 और रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 90। ठीक, तो इस 225 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए की वैल्यू 225, बी हमारे पास 135 था, ये एक टाइम डिवाइड हुआ तो क्यू की वैल्यू 1 हो गई प्लस जो रिमाइंडर था वो 90 था, तो यहाँ पे ये 90 आ गया। ठीक, तो हमारा पहला स्टेप ये हो गया, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने इस नंबर को डिवाइड किया था यानी जो पिछले वाले स्टेप में बी था वो अब ए का रोल प्ले करेगा और जो हमारे पास रिमाइंडर था वो अब बी का रोल प्ले करेगा। ठीक, और इसी टाइप से हम इसको फर्दर करते जाएंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाएगा। और वो स्टेप जिस स्टेप में ये जीरो आएगा वहां पे जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया होगा यानी जो वहां पर बी रहा होगा वो हमारा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसको 225 को पहले स्टेप में डिवाइड किया तो ये 135 इंटू 1 प्लस 90 आया, फिर इस 135 को डिवाइड किया 90 से तो 90 इंटू 1 प्लस 45 आया, फिर इस 90 को हमने डिवाइड किया 45 से तो 45 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर आया। तो अब ये 0 रिमाइंडर आया कब, जब 45 से हमने 90 को डिवाइड किया यानी जब B हमारे पास 45 था। ठीक, तो इन दोनों का एचसीएफ हो गया 45। ठीक, तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो प्रूविंग टाइप क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये दिखाओ कि वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1 का होगा या फिर वो 6q प्लस 3 होगा या फिर वो 6q प्लस 5 फॉर्म का होगा। ठीक, तो इस फॉर्म का वो बनेगा ये हमें शो करना है, जहां पे ये भी दिया हुआ है साथ में कि क्यू कोई इंटीजर है वहां पे। ठीक, तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे जो बी हमें लेके आना है वो 6 लेके आना है। ठीक है, जो इसकी फॉर्म लेके आनी है उसमें जो 6 दिख रहा है हमें वो बी का रोल प्ले कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म है, सबके सब ये बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें बी है हमारे पास 6, तो यहाँ पे जो बी हम कंसिडर करेंगे वो हम 6 कंसिडर करेंगे। ठीक, ए हमने उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को कंसिडर कर लिया। ठीक, तो अब जो आर हमारा वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी या इक्वल टू होगी और 6 से छोटी होगी। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब हमें ए को डिवाइड करना है बी से,
तो अगर हम किसी नंबर ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा बी से छोटा ही आएगा, और यहाँ पे जो बी है हमारे पास वो 6 है, तो 6 से छोटा ही होगा रिमाइंडर, और इससे छोटा 5 हो सकता है, और मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है उसकी वो 0 हो सकती है रिमाइंडर की। ठीक, तो आर की वैल्यू 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगी। ठीक, तो अब हम इस इक्वेशन में बी और आर की वैल्यूज को पुट करेंगे और अलग अलग फॉर्म्स लेकर आएंगे। ठीक है, फिर हम उन फॉर्म्स को देखकर बताएंगे कि ये ऑड है या इवन है। ठीक, तो अगर हम पहली वैल्यू रखें यहाँ पे बी की वैल्यू, तो क्योंकि 6 है तो वो हर जगह 6 ही रहने वाली है। आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो उसको एक एक करके हर अलग अलग वैल्यूज पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे आर इक्वल टू 0 पे वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे बी की जगह 6 हो जाएगा, तो ये 6q हो जाएगा प्लस रिमाइंडर, क्योंकि 0 है तो ये 0 हो गया। ठीक, तो ये 6q प्लस 0 हो गया। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इवन ही होता है, तो ये जो नंबर है 6q वो इवन होगा, तो इसका मतलब ये ए भी जो है वो इवन होगा। ठीक, तो ए इक्वल टू 6q जो आया वो इवन है, लेकिन हमें ऑड दिखाना है, तो वो फॉर्म अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो R इज इक्वल टू 1 पे हम इसको चेक करते हैं, तो R इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पे रखेंगे, तो A इज इक्वल टू ये B की जगह 6 आ जाएगा, Q ऐसे ही रहेगा और R की जगह 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें दिख रहा है ये वाला नंबर तो इवन है प्लस इसमें 1 हो रहा है, तो ये ऑड बन जाएगा, तो ये वाली फॉर्म ऑड बन जाएगी। ठीक, तो एक फॉर्म तो हमने इसकी दिखा दी कि जो ऑड इंटीजर होगा ये वो इस फॉर्म का होगा। सिमिलरली हम अलग अलग वैल्यूज पे चेक कर लेंगे, आर इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 6q प्लस 2 आ जाएगा, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे भी इवन नंबर है, यहाँ पे भी इवन है, तो ये इवन हो जाएगा। इसी टाइप से आर इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3 आ जाएगा, जो कि हमें दिख रहा है ये ऑड नंबर है। सिमिलरली आर इज इक्वल टू 4 पे चेक करके देखेंगे इसको, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये दोनों इवन नंबर है, तो ये टोटल इवन नंबर हो गया। इसी टाइप से R इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे, तो ये A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5 आ जाएगा, जो कि ऑड है। तो अब अगर हम इसमें ऑड वाली फॉर्म्स चेक करें, तो हम देख सकते हैं कि जो ऑड वाली फॉर्म आ रही है वो 6Q प्लस 1 आ रही है, या फिर 6Q प्लस 3 आ रही है, या फिर 6Q प्लस 5 आ रही है। ठीक, तो जो हमें प्रूव करना था वो हम दिखा चुके हैं इसमें। ठीक, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक, तो इसी टाइप से इसमें बहुत सारे प्रूविंग टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, और इसी टाइप के बहुत सारे प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम पे। ठीक, तो हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये दिया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है और अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो वो इस फॉर्म का बनेगा। ठीक, या तो वो 9m बनेगा या 9m+1 और 9m+8। ठीक, तो बिल्कुल क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे अब क्यूब करना है उस नंबर का। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यूक्लिड डिविजन लेमा लिख लेंगे, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ पे जो b हम रखेंगे वो 3 रखेंगे। ठीक, वैसे हमें यहाँ दिख रहा है जो b की वैल्यू होनी चाहिए वो 9 होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे क्यूब करना है उसका, तो क्यूब करके वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी अगर हम 9 रखेंगे, और 9 रखेंगे तो R की वैल्यू 8 तक जाएगी, जो बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम B को 3 रख लेंगे। अगर हम B को 3 रख लेंगे तो R की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन 3 होगी, तो इसका मतलब R की वैल्यू 0, 1 और 2 हो जाएगी। ठीक, तो हम R इक्वल टू 0 पे इसको चेक कर लेंगे, तो यहाँ अगर हम B की जगह 3 रख लें और R इक्वल टू 0 रख लें, तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस 0 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 3Q हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि उस नंबर का हमें क्यूब करना है, तो हमने वो नंबर कंसीडर किया था a, ठीक, तो उसका हमने क्यूब कर लिया, तो दोनों साइड इसमें क्यूब हो जाएगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3Q का होल क्यूब। अब ये दोनों तरफ हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27Q³। ठीक है, अब हम अगर इसमें से 9 कॉमन ले लें, तो ये a क्यूब इज इक्वल टू 9 बाहर जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा 3Q³। ठीक, अब इस 3Q³ को हम m कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको हम m कंसिडर कर लेंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 9m। ठीक, तो इसी टाइप से r इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखेंगे, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद हम इसको दोनों तरफ क्यूब करेंगे क्योंकि हमें उस नंबर का क्यूब पूछा है,
तो क्यूब करने पे ये ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड में ए क्यूब हो गया, राइट साइड में ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो इसको हम खोल लेंगे इस तरफ को, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab का स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ वैल्यूज रख लेंगे उस हिसाब से और इसको खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27q³ + 1 + 27q² + 9q। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास जो ये टर्म्स है 27q³ + 27q² + 9q, इसमें से हम तीनों टर्म में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा 3q³ + इधर से बचा 3q² + यहाँ से बचा सिर्फ q, और ये जो प्लस 1 था उसको हमने अलग से लिख लिया। ठीक, अब इसमें ये जो टर्म आई हमारे पास इसको हम m कंसिडर कर सकते हैं, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9m + 1। ठीक, अभी हमने जो वैल्यू देखी वो r इक्वल टू 0 पे देखी और r इक्वल टू 1 पे देखी। तो r इक्वल टू 0 रखने पे किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो 9m फॉर्म का बनता है, और अगर r इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो किसी भी नंबर का क्यूब 9m + 1 फॉर्म का बनता है। ठीक, अब अगर हम इसे r इक्वल टू 2 पे चेक करें तो r की वैल्यू 2 रख लेंगे, इसमें b इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये a इज इक्वल टू 3q + 2 हो जाएगा। इसको क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब। तो अब राइट साइड में इस क्यूब को खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27q³ + 8 + 54q² + 36q। अब ये जो टर्म्स हैं 27q³ और 54q² + 36q, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3q³ + 6q² + 4q, और साथ में जो 8 है उसको अलग से लिख लेंगे। अब इसमें हम इस वाली टर्म को m कंसिडर कर लेंगे, तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू जाएगा 9m + 8, जो कि हमारी तीसरी वाली फॉर्म हो जाएगी अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे। तो एक और टाइप का क्वेश्चन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बनता है वो इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। What is the maximum number of columns in which they can march? तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि एक आर्मी है जिसमें 616 members हैं, जिनको 32 band members के पीछे परेड में चलना है। ठीक, और इन दोनों को इस टाइप से चलना है कि दोनों के दोनों ग्रुप्स इक्वल कॉलम्स में चले। तो हमें ये बताना है कि ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें ये सारे के सारे आ जाएं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो मैक्सिमम चीज कॉमन है वो देखनी है हमें, यानी हाइएस्ट चीज इन दोनों में कॉमन देखनी है। तो इसको हम HCF भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी हम इन दोनों के बीच का अगर HCF निकालें तो जो इन दोनों के बीच का HCF आएगा वही हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी जिनमें ये सब के सब आ जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 616 और 32 का HCF ले लेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड लेमा यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 616 को 32 से डिवाइड कर लेंगे, तो उसको डिवाइड करने पे वो 19 टाइम्स डिवाइड होगा और 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे, 616 इज इक्वल टू 32 × 19 + 8। इसको फर्दर हम आगे देखेंगे तो अब ये b a का काम करेगा और इसका रिमाइंडर b का काम करेगा, तो 32 इज इक्वल टू अब हम लिख सकते हैं 8 × 4 + 0। तो अब ये फाइनली 8 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा 32, तो जो इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया वो हो गया 8। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी वो होंगी 8। तो आई होप जितने टाइप्स के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।